लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। कहीं पर चरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई। अब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का सब कोई पता था कि आज क्या किनको मिलने वाला है। मानस के प्रवाह क्रम में पांचवा आलिंगन श्री रघुनाथ जी का श्री हनुमंत लाल जी महाराज को प्राप्त हुआ। मेरे भाई, पांचवा आलिंगन श्री हनुमान जी महाराज को प्राप्त हुआ। श्री हनुमान जी, हा हा हा, और फिर क्या आगे घटा वो तो खैर अपने कथा प्रसंग में आएगा ही। प्रभु, आइए अब हम लोग चले उसी मानस के प्रवाह में। राम जी का जन्म हुआ है, अयोध्या में बधाई बट रही है। अरे चारों भैया प्रगट भये आज, अवध में लडुआ बटे। ए जी लडुआ बटे रे, ढोल गुरे रे, लडुआ बटे ढोल गुरे रे। और झीणी झीणी उड़े रे गुला, अवध में लडुआ बटे। ओ चारों भैया प्रगट भैया, अवध में लडुआ बटे। बंधनवार बंधाओ मेरी बहना, पर्दे लगाओ जरीदार, अवध में लड़ुआ। मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना, मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना। ए जी सुवर्ण कलश सजा, अवध में लड़ुआ बटे। ए जी सुवर्ण कलश
कलश सजाए अवध में लड़वावटी और केसर कस्तूरी की भर दो तलैया केसर कस्तूरी की भर दो तलैया और बरसा दो मूसलधार अवध में लड़वावटी अपने आप बरस रहा है अंदर से निकल रहा है चारों भैया प्रगट भय अवध में लड़वा बटी अब सबसे बढ़िया वाली लाइन आ रही है गैया के दूध की खीर गुटाओ गैया के दूध की खीर गुटाओ खीर ऐसी बनाओ कि खाते समय दूध का स्वाद ना आवे रबड़ी सा स्वाद आवे गैया के दूध की खीर घुटाओ नहीं गैया के दूध की खीर घुटाओ और ब्राह्मण जी मावो अपार अवध में लड़वा बटे हे जी ब्राह्मण जी मावो अपार अवध में लड़वा बटे छठी पूजाओ गीत सब गाओ छठी पूजाओ गीत सब गाओ और मोहरों की कर दो उछाल अवध में लड़वा बटी चारों भैया प्रगट भैया अवध में लड़वा बटी अवध में लड़वा बटे अवध में लड़वा बटे आ चैत सुदी नौमी तिथियो रघुनंदन जी रघुनंदन जी प्रगट्या है राम कृपाल राघव जी क्या है नाम के पास
अयोध्या में ऐसा आनंद हुआ है, श्री ठाकुर जी पधारे हैं। दशरथ जी महाराज ने खूब आनंद के साथ प्रभु के प्राकट्य का उत्सव मनाया है। एक नहीं चार चार लाला का जन्म हुआ है, एक नहीं चार चार लाला का जन्म हुआ है। सब प्रसन्न हैं, सबके हृदय में आनंद है, पूरी अयोध्या नगरी नृत्य कर रही है। करुणा निधान देखिए, तीन रानियां हैं, तीनों ही पुत्रवती हुई हैं। तीन रानियां हैं, तीनों ही पुत्रवती हुई हैं, लेकिन सबको एक दूसरे के यहां लाला होने की खुशी है। ये परिवार की जो प्रीति है वो देखिए आप, प्रेम देखिए उनका। करुणा निदान केकई ने ऐसा वरदान मांगा, ये सब अपने ध्यान मत दीजिए, कोई देवताओं की योजना थी, उन्होंने जानबूझ करके बुद्धि बिगाड़ी। बाकी नहीं महाराज, नहीं। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि मेरी जानकारी में कौशल्या राम की मां है, लेकिन कौशल्या से भी बढ़कर के राम को अगर कोई प्रेम करती है तो वो केकई है। बताइए महाराज अब क्या करें, देवताओं को भला बुरा भी नहीं कह सकते, जितना कहना था उतना तुलसीदास जी ने कह दिया प्राणनाथ। तीनों रानियां खुश है, लेकिन अपने अपने यहां बेटा उसके लिए नहीं। केकई इसलिए खुश है कि कौशल्या जी को लाला हुआ है, कौशल्या इसलिए खुश है कि सुमित्रा को लाला हुआ, और सुमित्रा इसलिए खुश है केकई के लाला हुआ। सब आपस में इतने प्रसन्न है, इतने आनंदित है। देवता आ रहे हैं दर्शन करने। प्राणनाथ, अयोध्या के वासी भी भगवान का दर्शन करते हैं और कामना करते हैं कि ये लाला जल्दी बड़े हो जाएं, और कब हम इनके माथे पर राज मुकुट का दर्शन करें। महाराज अब मैं क्या बोलूं, अयोध्या के लोग राम प्रभु का दर्शन करने आते और यह कामना करते कि हम कब इनके श्री मस्तक पर राज मुकुट का दर्शन करें, और देवता आते हैं दर्शन करते और मन में सोचते हैं कि ये कब वन को जाएंगे, न हमारा काम पार करेंगे, कब ये धनुष बाण हाथ में लेंगे। करुणा निदान देवताओं को अपने स्वार्थ की पड़ी है, लेकिन श्री अवध के वासी आहा, करुणा निधान राजभवन में राम जी पधारे हैं, सो राजभवन की मर्यादा है, सब कोई दर्शन के लिए तो नहीं पहुंच सकते। लेकिन देखिए महाराज, श्री दशरथ जी ने कैसी सुंदर व्यवस्था करी। राम जी खेलने के लिए अयोध्या की गलियों में पधारते हैं। आहा, जिस समय श्री रघुनाथ जी का प्राकट्य हुआ उस समय तो राजभवन की मर्यादा थी, उस समय तो राजभवन की मर्यादा थी, इसलिए सब कोई राजभवन में नहीं जा सकते। लेकिन राम जी को दशरथ जी ने खेलने के लिए अयोध्या की गलियों में भेजा कि जाओ, क्योंकि वे भी समझते थे कि जैसे राम को देख करके मेरे चित्त को प्रसन्नता होती है तो मेरे पुरवासी, मेरे प्रजाजन कितने प्रसन्न होंगे, और सब चाहते थे राम जी को, इसलिए राम जी अयोध्या की गलियों में खेलते हैं। अयोध्या की गलियों में राम जी का खेल चला है, लुका छिपी खेलते हैं। बस फर्क बस इतना ठाकुर जी में और राम जी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। करुणा निधान ज्यादा अंतर नहीं है। ठाकुर जी माखन की चोरी करते थे, ठाकुर जी माखन की चोरी के बहाने मन की चोरी करते थे, और ये खेल के बहाने मन की चोरी कर रहे हैं। चोर दोनों हैं, चोर दोनों हैं। एक ने अपना नाम कबूल किया कि हाँ मैं चोर हूं, और दूसरे जिंदगी भर महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम बने रहे। महाराज देखो यहां बहुत सारे कट्टर राम भक्त बैठे हैं, लेकिन मैं बताता हूं, महात्माओं को बिगाड़ने का काम आपके राम जी ने किया। बेचारे सीधे साधे अपने जंगल में बैठे भजन कर रहे थे, और कहां उनके मन में कांत भाव जगा दिया। बताइए
सब कांत भाव वो भाव उसको तुली लगा करके तो वो जंगल में बैठे भजन कर रहे थे और वहां ऐसा अपना कौमार्य रूप दिखाया, वहां ऐसी अपनी सुकुमारता दिखाई, बेचारे महात्माओं के मन में आने लगा कि ब्याह करे तो इनसे करे, ब्याह करे तो इनसे करे। और ब्याह के चक्कर में एक युग और इंतजार करना पड़ा और जन्म लेना पड़ा। बाकी भजन करते उनका जन्म मरण सब मिटता है, पर वो इस चक्कर में जन्म और लेना पड़ा। पर बोले कौन, समरथ को नहीं, दोस्त को सही, बड़े भगवान ने कौन बोले, तो मैं बोल गया, मुझे मौका मिल गया, इसलिए बात। उस पर भी अभी कथा के बाद कई लोग मेरी पिटाई करेंगे कि क्या बोल दिए तुम लोग, प्राणनाथ भाई, सब महात्माओं को बिगाड़ने का काम राम जी ने किया। हमारे ठाकुर जी तो सीधे थे, भाई हम तो है इसीलिए आए, इसीलिए उनको कोई आरोप नहीं दे सकता, और ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे महाराज प्राणनाथ। तो हमारा श्री कृष्ण चोर स्वीकार करते कि हाँ मैं चोर हूं, अपना नाम स्वीकार किया। श्री रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, लेकिन चोरी ये भी करते हैं महाराज। तप चुरा लिया, महात्माओं की तपस्या चुरा ली। अब इनका ध्यान आने के बाद में क्या तपस्या हो मेरे भाई बहन, क्या तपस्या हो। फिर तो प्रतीक्षा होने लगी कि कब वो आवे समय। और मेरे भाई बहन, अब देखो मैं बता दूं आपको, भले ही अब राम जी वाले नाराज हो तो हो, जितने ऋषि मुनि थे सब इनके पीछे चल रहे थे कि हम तो अब साथ चलेंगे, हम नहीं रह सकते अब आपका, आपको देखने के बाद, भले ही आप हमारे साथ ब्याह करो या ना करो, पर हम रहेंगे आपके आसपास में, आपका दर्शन तो करेंगे। बस पीछे पीछे रवाना हो गए। आखिर उनको आश्वासन देना पड़ा कि भाई अभी ठहर जाओ, एक साथ में है, अभी मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम है, गड़बड़ हो जाएगी, ए तुम थोड़ा सा इंतजार करो, अगले अवतार कृष्ण अवतार लेता हूं, फिर तुम्हारी सबकी इच्छा पूरी करता हूं, अगला अवतार कृष्ण अवतार लूंगा, लीला पुरुषोत्तम बनूंगा और सबकी इच्छा पूरी करूंगा। ऐसे श्री रघुनाथ जी भ्रमण करते हैं। बस मेरे भाई बहन, अयोध्या में भी बहुत सारे लोग श्री ठाकुर जी के प्रति विभिन्न भाव रखते हैं, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, कांत, सब अपने अपने अंतकरण में प्रभु के साथ अपना अपना भाव मिलाते हैं। मेरे भाई बहन, भगवान ही तो वो है सर्वसमर्थ कि जिनके साथ जीव अपना कोई भी संबंध, कोई भी भाव जोड़ सकता है। बाकी जो मां है वो हमेशा जिंदगी भर मां ही रहेगी, पत्नी है वो जिंदगी भर पत्नी ही रहेगी, भाई बहन है वो जिंदगी भर बहन ही रहेगी, पिता है वो जिंदगी भर पिता ही रहेगा, फूफा है वो जिंदगी भर फूफा ही रहेगा, लेकिन एकमात्र श्री ठाकुर जी हैं जो एक ही समय में सब कुछ हो सकते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ठाकुर जी हमारे सब कुछ हो सकते हैं, इसलिए जीव को रोकना नहीं चाहिए भगवान के साथ यदि कोई संबंध बनावे तो। मेरा मन का ऐसा भाव है मेरे भाई बहन, बाकी किसी को अच्छी न लगे बात तो वो न माने। कई छोटे छोटे बच्चे जो हैं ठाकुर जी की चित्र को अपने साथ रखते हैं, ये हमारे ठाकुर जी हैं, ये हमारे लाला हैं, और खुद सोते हैं उसी बिस्तर पर वो चित्र को भी सुलाते हैं। ऐसा मैंने देखा है बहुत सी जगहों पर, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा। क्यों देखा है आप लोगों ने भी, बोलिए ना, देखा है कुछ लोगों ने, अपने साथ सुलाते, अपने प्लेट में खाना खाते थे तो अपनी प्लेट ले जाके कहते लो भगवान जी खाओ, लो लाला खाओ, ऐसे मैंने देखा बहुत लोगों को। कई ऐसी बहनों को भी देखा जिनके भाई नहीं है तो वो उनको भाई की तरह रख रही है, ये मेरे भाई है, ये मेरे भाई, ऐसा मैंने देखा है। उनके माता पिता कहते महाराज कुछ गलत तो नहीं है, आप समझाओ। अब मेरे भाई बहन, शास्त्र को देखूं, मर्यादा को देखूं, रीति को देखूं,
तो लगता है भाई ऐसे तो ठीक नहीं है, ठाकुर जी एक स्थान पर होने चाहिए भाई, उनकी पूजा हो भाई, वो कोई ऐसे नहीं वैसे नहीं। अब जिस बिछौने पर वो सोते उस पर ठाकुर जी कैसे सुला सकते। लेकिन मेरे भाई बहन मन में आता है कि अगर जीव इस प्रकार से भी प्रभु के साथ जुड़ता, प्रभु क्या, प्रभु को अपवित्र कौन करेगा बताओ। इसी बहाने उसने अपना संबंध रोपा और उसी बहाने यदि स्मरण करे तो कहां आपत्ति है मेरे भाई बहन। मेरे को मैं गलत हो सकता हूं, मैं कबूल करता हूं मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरे भाई बहन इस भाव के चलते ही आगे प्रगाढ़ता आती है भक्ति।